कोरोना महामारी के तांडव के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो चुकी है और ज्यादातर देशों में ट्रेनिंग कैंप भी शुरू हो गए हैं। वहीं भारत में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच टीम का ट्रेनिंग कैंप फिलहाल शुरू नहीं किया जा सका। टीम इंडिया का प्रैक्टिस कैंप भारत के बाहर यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE में भी हो सकता है। इसके अलावा अहमदाबाद और धर्मशाला दो ऐसे वेन्यू हैं जहां ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की एपेक्स काउंसिल की बैठक में इसको लेकर भी चर्चा हुई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए IPL दुबई में सितंबर के आखिर से नवंबर तक हो सकता है। भारतीय क्रिकेटर भी दुबई में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। बोर्ड की एपेक्स काउंसिल की ऑनलाइन बैठक में इस मसले पर बात की गई, लेकिन अंतिम फैसला IPL की संचालन परिषद लेगी। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि IPL दुबई में होता है तो ही भारतीय क्रिकेटरों के यहाँ अभ्यास करने का कोई मतलब है। वहीं अच्छा बुनियादी ढांचा है, IPL वहीं होने की संभावना अधिक है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते भारत असुरक्षित होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस कैंप धर्मशाला या मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में भी हो सकते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से दशा दुबई ही सबसे सुरक्षित है। 8 जुलाई को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई। मार्च के बाद से पहला मौका था जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया। वेस्टइंडीज के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की मेज़बानी कर रही है और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी करेगी। यानी कि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी पूरी तैयारी कर रहा है भारतीय क्रिकेटरों के मैदान पे वापस लाने का। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।